जागरण हाईटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीधर मिश्रा। आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी लेकिन आपके माथे पर पसीना भी आ जाएगा। तो क्या है वो खबर और कौन सी कार और बाइक्स की इस सप्ताह भारत में हुई एंट्री, ये भी जानेंगे हमारे इस खास सेगमेंट ऑटो वीकली रैप में। सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। यानी अब अगर आप ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हुए पाए गए तो आपको एक नहीं बल्कि 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। ये बिल कितना सख्त है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब 4 साल के बड़े बच्चे को भी हेलमेट पहनना होगा। वहीं एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता रोकने पर आपको 10,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो इसकी सजा बच्चे के माता पिता को होगी। और अगर गाड़ी से कोई हादसा या क्राइम होता है तो बच्चे के माता पिता को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। इस बिल में हिट एंड रन का शिकार हुए लोगों के परिवार को सरकार 25,000 रुपए की जगह अब 2,00,000 रुपए का मुआवजा देगी। इस बिल पर हमने एक कमाल का वीडियो बनाया है जिसमें कौन सी गलती पर आपको कितना चालान भरना पड़ेगा ये सारी जानकारी हिंदी में दी गई है। तो वीडियो को तुरंत देखे वरना आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चालान भरने में चला जाएगा। लॉन्च की अगर बात करें तो कावासाकी ने लंबे इंतजार के बाद अपनी W800 स्ट्रीट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है। W800 का रेट्रो स्टाइल आपको काफी पसंद आएगा। इसके फ्रंट में राउंड LED हेडलैम्प यूनिट दिया गया है। पहले के मुकाबले अब इसका हैंडल बार और भी ऊंचा हो गया है। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ डिजिटल स्क्रीन भी मिलेगी। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक में 773cc का एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड वर्टिकल ट्विन इंजन दिया गया है जो 47.5 bhp की मैक्सिमम पावर और 62.9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 5-speed गियरबॉक्स से लैस है। वहीं सेफ्टी के लिए आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा। ग्लोबली कावासाकी W800 स्ट्रीट और कैफे वेरिएंट में अवेलेबल है लेकिन कंपनी ने भारत में अभी इसका स्ट्रीट वेरिएंट ही लॉन्च किया है। 2019 पोर्शे मकान फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। ये 2 वेरिएंट में आती है, मकान और मकान एस में। सबसे पहले इसके कॉम्पैक्ट SUV मकान की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 69.98 लाख है। मकान में पावर के लिए 4 सिलेंडर वाला 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो 252 hp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। मकान की टॉप स्पीड 227 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये केवल 6.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार सड़कों पर पकड़ लेती है। अब बात करते हैं इसके पावरफुल वर्जन मकान एस की। इसकी एक्स शोरूम कीमत 85.03 लाख रुपए है। इसमें पावर के लिए 3 लीटर का नया V6 इंजन दिया गया है जो 354 hp की पावर और 480 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मकान एस की टॉप स्पीड 254 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये केवल 5.1 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। नई BMW X7 SUV भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 98.9 लाख रुपए है। इसमें अब तक का सबसे बड़ा BMW किडनी ग्रिल दिया गया है। इसके अलावा इसमें बड़े एयर इंटेक, लेजर लाइट LED हेडलैम्प के साथ चौड़ी टेल लाइट्स दी गई हैं। इसके अंदर आपको 3 रोज मिलते हैं जिसमें 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसके इंजन ऑप्शंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो BMW की नई X7 SUV 2 अलग वेरियंट्स में और 2 अलग इंजन के साथ आती है। इसमें पहला वेरियंट BMW X7 X Drive 40i है जिसमें पावर के लिए 3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसका इंजन 335 bhp की मैक्सिमम पावर और 450 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं BMW X7 X Drive 30D वेरिएंट में 3 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है जो 261 bhp की पावर और 620 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही वेरिएंट्स में 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4-wheel ड्राइव सिस्टम मिलता है। BMW ने X7 के साथ इसी सप्ताह अपनी 2019 BMW 7 सीरीज को भी लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.22 करोड़ रुपए है जो 2.42 करोड़ रुपए तक जाती है। कंपनी की इस नई प्रीमियम सेडान में नया बोनेट और फ्रंट बम्पर के साथ रीडिजाइन किया हुआ LED हेडलाइट्स भी दिया गया है। इसमें भी BMW की बड़ी किडनी ग्रिल दी गई है। इस सेडान की ऊंचाई को 50 mm बढ़ाया गया है। वहीं रियर में ये 35 mm स्लिम हो गई है। इसके इंजन ऑप्शंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो BMW 7 सीरीज फेसलिफ्ट में मौजूदा वर्जन जैसा ही इंजन दिया गया है। यानी ये 3 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल और 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन डीजल में अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी की ये फ्लैगशिप सेडान अब प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट में
भी उपलब्ध हो गई है, जिसमें आपको 380 bhp की पावर और 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। कंपनी का दावा है कि इसमें आपको 49.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया और आप क्या नया चाहते हैं, ये सभी चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी खबर की पूरी जानकारी को हमारे jagran.com के ऑटो सेक्शन पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।